इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे कॉलेज में पॉपुलर रहने के लिए झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है, पर क्या होता है जब उसके झूठ का घड़ा भर जाता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है इजी है। तो कहानी शुरू होती है दो कॉलेज फ्रेंड ओलिव और रियाना से। रियाना ओलिव को अपने साथ वीकेंड पर कैंपिंग पर चलने के लिए कहती है, पर ओलिव उसके साथ जाना नहीं चाहती, इसीलिए वो बहाना बना देती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ डेट पर जाना है। दरअसल ओलिव ने बहाना इसीलिए बनाया था क्योंकि रियाना अपने पेरेंट्स के साथ कैंपिंग पर जाने वाली थी और उसे रियाना के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगते। एक बार वो रियाना के घर डिनर पर गई थी जहाँ उसके पेरेंट्स नेकेड होकर खुले आसमान के नीचे डिनर करते। अब वीकेंड पर ओलिव दिन भर घर में टोनी कक्कर के गाने सुनते हुए अपना समय बिताती है, और जब अगले दिन रियाना उसे जॉर्ज के बारे में पूछती है तो ओलिव कहती है कि मुझे उसके साथ बहुत मजा आया। रियाना उसे वॉशरूम में ले जाकर पूछती है कि इसका मतलब है कि तुमने जॉर्ज के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली। अब ओलिव को अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वो रियाना से झूठ बोलती है कि हाँ, मैंने कल रात जॉर्ज के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करी। ये टॉप सीक्रेट बाथरूम में मौजूद स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी मैरियन सुन लेती है, और कॉलेज चपकते ये बात जंगल में लगे किसी आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल जाती है। ओलिव तुरंत इस बारे में मैरियन को बताती है कि उसने वॉशरूम में जो कुछ भी सुना था वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ था, पर मैरियन अब कहां उसकी बातों पर यकीन करने वाली थी। अब जो स्टूडेंट्स ओलिव को घास तक नहीं डालते थे वो सभी अब उसे अपने साथ कुल्फी खाने चलने के लिए इन्वाइट करने लगते हैं। इससे पहले कि ओलिव इस आपदा को अवसर में बदल पाती, इंग्लिश क्लास में एक स्टूडेंट के साथ फाउल लैंग्वेज में बात करने के लिए उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। वही ओलिव की मुलाकात अपने क्लासमेट ब्रैंडन से होती है, जिसे गे होने की वजह से सब लोग लल्लू कहकर चिढ़ाते थे। ओलिव ब्रैंडन को बताती है कि उसने उसके बारे में जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। अब क्योंकि ब्रैंडन ओलिव का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। अगले दिन ब्रैंडन दोबारा ओलिव से मिलने उसके घर जाता है, जहां ओलिव के पेरेंट्स स्वाग से उसका स्वागत करते हैं। तभी ओलिव ब्रैंडन को अपने साथ लेकर सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। ओलिव के पेरेंट्स काफी ओपन माइंडेड और सपोर्टिव थे, इसलिए वो तो ओलिव को कुछ नहीं कहते, पर अगर यही सीन हमारे देसी पेरेंट्स के साथ होता तो हमारा पिछवाड़ा और उनका चप्पल, जिंदगी भर की कुटाई एक बार में हो जाती। खैर, ब्रैंडन दरअसल ओलिव के साथ हैंकी पैंकी करने उसके घर आया था, और जब वो ये बात ओलिव से कहता है तब ओलिव का माथा सड़ जाता है और वो कहती है, अब एक गांडू बावला हो गया क्या? ब्रैंडन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं करना है तो मत करो, पर कॉलेज में ये बात फैलने में मेरी बस इतनी सी मदद करो कि मैंने तुम्हारे साथ टपाटप किया है, ताकि सब लोगों को लगे कि मैं गे नहीं बल्कि एक मर्द हूँ। मैं इन सब के लिए तुम्हें पैसे देने को भी तैयार हूँ। पहले तो ओलिव ये सब करने से साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब ब्रैंडन उसे अपनी कॉलेज लाइफ की दुखभरी कहानी सुनाता है कि कैसे गे होने की वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो फाइनली ओलिव उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। अगली शाम दोनों कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की मेलोडी के हाउस पार्टी पर जाते हैं, जहाँ सभी दोनों को एक साथ देखकर कहते हैं कि आईफोन के साथ नोकिया चार्जर कब से आने लगा। ओलिव मेलोडी से कहती है कि हम दोनों को बहुत जोर से प्यार आया हुआ है और हमें एक कमरे की जरूरत है। तब मेलोडी कहती है कि तुम दोनों मेरे बेडरूम में एंजॉय कर सकते हो। दोनों मेलोडी के रूम में जाकर दरवाजे, खिड़की और खिड़कियों पर लगे पर्दे बंद कर देते हैं। बाहर खड़े सभी छिछोरे दरवाजे पर कान लगा के ऐसे सुनने की कोशिश कर रहे थे जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर दिल की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा है, पर हमें भी कमरे के अंदर कुछ खास देखने को नहीं मिलता। प्लान के मुताबिक दोनों सिर्फ अंदर जंपिंग जपंग करते हुए गंदी गंदी आवाजें निकाल रहे थे, ताकि बाहर खड़े सभी छिछोरों को ऐसा लगे कि अंदर दंगल चल रहा। उन दोनों का प्लान कामयाबी हो जाता है। ब्रैंडन की इज्जत सबकी नजर में बढ़ चुकी थी, और दूसरी तरफ ओलिवर कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच सेक्स मंकी नाम से मशहूर हो जाती है। इसी पार्टी में ओलिवर की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त टॉड से होती है। बचपन में उन दोनों ने एक दूसरे को किस करने की कोशिश भी की थी, जिसमें वो दोनों सक्सेसफुली फेल हो गए थे। ओलिव को थोड़ा अकवर्ड लगता है, इसलिए वो टॉड के साथ थोड़ी देर बातें करके वहां से चली आती है। अगले दिन जब रियाना को ओलिव के कान के बारे में पता चलता है तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि वर्जिनिटी लूज करने का मतलब ये नहीं कि तुम इधर उधर मुंह मारती फिरो। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। ओलिव डिसाइड करती है कि वो इस आपदा को अवसर में बदल कर रहे, और इसके लिए वो अपने गेटअप भी चेंज कर लेती है। सीधी साधी दिखने वाली ओलिव अब कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बन चुकी है, और हर एक छिछोरा एक बार उसकी पिच पर बैटिंग करने के सपने देखने लगते हैं। इधर मैरियन भी ओलिव से जलने लगी, और वो अपने छोटे से ग्रुप के साथ मिलकर ओलिव को कॉलेज से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगती है। आपको बता दूं कि मैरियन और उसके सभी दोस्तों ने शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज ना करने की कसम खा रखी है। एक दिन ब्रैंडन का दोस्त इवान ओलिव से मिलने आता है और कहता है कि ब्रैंडन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, क्या तुम मेरे साथ भी पैसों के लिए गपागप करोगी? ओलिव कहती है, चुपचाप भाग इधर से वरना एक थप्पड़ में तेरे मुंह के सारे दांत बाहर निकाल दूं। इवान भी ब्रैंडन की तरह एक लल्लू राम था, इसलिए उस पर ओलिव को दया आ जाती है। वो $100 के अमेजन कूपन के बदले में इवान के साथ झूठ मूठ कर नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है, पर जल्दी ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि ओलिव पैसों के लिए सबके साथ होती है। ओलिव ने आपदा को अवसर में बदल दिया था, और उसके पास कस्टमर्स की लाइन लग जाती है, और बंद कमरे के अंदर कौन सी खिचड़ी पकती है ये सिर्फ ओलिव और उसके कस्टमर्स को ही पता था। उठते उठते ये खबर ओलिव के इंग्लिश टीचर मिस्टर ग्रिफिथ को पता चलती है,
और वो उससे अपनी वाइफ जो कि उस कॉलेज के गाइडेंस काउंसलर थी उसके पास जाने के लिए कहता है। मिसेस ग्रिफिथ भी काफी ओपन माइंडेड पर्सन थी और वो ऑलिव से कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई बात छुपी हुई हो तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बट ऑलिव उन्हें कुछ नहीं बताती है। जाते आते मिसेस ग्रिफिथ ऑलिव को कॉन्डम और आईपिल्स के कुछ पैकेज देती है जिसे ऑलिव लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, पर मिसेस ग्रिफिथ के जिद करने पर उसे लेना ही पड़ता है। ऑलिव के बाद मैरियन का बॉयफ्रेंड मीका मिसेस ग्रिफिथ के कमरे में जाता है। ऑलिव मैरियन से पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना दुखी आत्मा क्यों है। मैरियन कहता है कि दरअसल मीका के पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है और उसकी वजह से वो बहुत दुखी है, इसीलिए मैं उसे गाइडेंस काउंसलर मिसेस ग्रिफिथ के पास ले आया। धीरे धीरे ऑलिवर और मैरियन भी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी टूट जाती है जब मैरियन के बॉयफ्रेंड मीका को क्लैमिडिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। मीका कहता है कि उसे ये बीमारी ऑलिव के साथ घपाघप करने से हुई थी, पर असल में ये बीमारी मिसेस ग्रिफिथ के साथ कमरे में गाइडेंस लेने की वजह से लगी थी। आपको याद होगा कि उस दिन मीका मिसेस ग्रिफिथ के पास गाइडेंस लेने आया था और उस दिन कमरे में कौन सी गाइडेंस दी जा रही थी ये समझदार लोग समझ गए। मिसेस ग्रिफिथ ऑलिव से कहती है कि मैं सबके सामने कन्फेस कर लूंगी कि मीका को मेरे साथ इंटीमेट होने की वजह से बीमारी लगी है, ना कि तुम्हारे साथ। पर ऑलिव नहीं चाहती थी कि उसका फेवरेट टीचर मिस्टर ग्रिफिथ और मिसेस ग्रिफिथ के रिश्ते में दरार आए, इसलिए वो सबके सामने मान लेती है कि मीका को उसके वजह से ही सेक्सुअल इन्फेक्शन हुआ है। अब जो लोग ऑलिव के आगे पीछे घूमते थे वो सभी उसके हेटर्स बन चुके थे और सभी उसे कॉलेज से चले जाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते। अंदर ही अंदर ऑलिव को बुरा लग रहा था, दरअसल उसने सेक्स के गुब्बारे में जो झूठ की हवा भरी थी वो फूटने वाला था। उसे डर था कि उसकी एमएस की वजह से कोई सच में उसे डेट करेगा भी या नहीं, क्योंकि अब सबके नजर में वो एक स्लट बन चुकी थी। पर एक दिन कॉलेज के कैंटीन में चिल करते हुए ऑलिव की मुलाकात एनसन से होती है। एनसन उसे जेन्युइनली अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता था, जिसके लिए ऑलिव भी तैयार हो जाती है। रात को दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं जहाँ ऑलिव की नजर टॉड पर पड़ती है जो कि उसी रेस्टोरेंट में जॉब करता था। ऑलिव और एनसन क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तभी ऑलिव की नजर रिहाना पर पड़ती है और वह घबरा जाती है। वो एंसन से कहती है कि रिहाना तुम्हें फर्स्ट ग्रेड से लाइक करती है और अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया तो फिर बवाल मच जाएगा। इससे पहले कि दोनों वहां से निकल पाते रिहाना उन दोनों को जाते हुए देख लेती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद एंसन ऑलिवर को $200 के गिफ्ट कूपन देते हुए किस करने की कोशिश करने लगता है। उसका इरादा बाकियों की तरह ऑलिव के साथ गपागप करने का था, पर ऑलिव उसे साफ मना कर देती है। ऑलिव ने सोचा था कि एंसन उसे जेन्युइनली लाइक करता था और वो गलत थी। वो रोने लग जाती है तभी टॉड वहां आता है। उसके पूछने पर ऑलिवर झूठ बोलती है कि मेरी आंखों में धूल घुस गई है इसलिए पानी निकल रहा है। टॉड कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। रास्ते में ऑलिव टॉड को बताती है कि तुमने मेरे बारे में जो भी सुना है वो सब एक झूठ है। टॉड कहता है कि मुझे पता है कि ये सब एक अफवाह है क्योंकि बचपन में हम दोनों जब किस करने में फेल हो गए थे तब तुमने ही सबसे झूठ कहा था कि हमारे बीच किस हुआ है। बचपन में जो दोनों के बीच केमिस्ट्री अधूरी रह गई थी टॉड अब उसे पूरा करना चाहता था। वो ऑलिव से किस करने की बात करता है पर ऑलिव मना कर देती है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो करना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं सबसे पहले अपने लाइफ की बिगड़ी ट्रेन को वापस से पटरी पर लाना चाहता हूँ, उसके बाद ही हम दोनों अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। अगले दिन अलिव उन सभी लड़कों के पास जाती है जिसकी उसने कॉलेज में इज्जत बढ़ाने में मदद करी। वो सभी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम जाकर सबके सामने कन्फेस कर लो कि उस दिन हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रांडन जो कि ऑलिव का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था वो सबके सामने कन्फेस कर लेता है कि उस रात मेलोडी के घर पर ऑलिव और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद ब्रांडन अपना घर छोड़कर एक निगाह के साथ भाग जाता है। ऑलिव मिसेस ग्रिफिथ को भी सबके सामने कन्फेस करने के लिए कहती है पर वो ऑलिव की ये बात मानने से साफ इनकार कर देती है। तब कोई चारा ना होने की वजह से ऑलिव ये बात उसके हस्बैंड मिस्टर ग्रिफिथ को जाकर बता देती है कि आपकी बीवी को क्लैमिडिया नाम की एक बीमारी है और उसका मीका नाम के एक स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। मिस्टर ग्रिफिथ उसी वक्त अपनी बीवी से सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने दिल को पूरी तरह से हल्का करने के लिए ऑलिव सारी की सारी कहानी अपनी माँ को भी सुना देती है। ऑलिव की माँ उसे समझाती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं भी तुम्हारी तरह कॉलेज में कांड किया करती थी, पर समय के साथ इंसान को अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, तो ज्यादा टेंशन मत लो और जाके सुट्टा मत। शाम को ऑलिव इंस्टाग्राम पे लाइव जाती है और सबके सामने अपने उस झूठ को एक्सेप्ट कर लेती है जिसकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक कि ऑलिव के पेरेंट्स भी उसके लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं। इधर रिहाना को भी रियलाइज होता है कि ऑलिव ने उसे बहुत बार बताने की कोशिश करी थी पर उसने उसकी एक नहीं सुनी। ऑलिव की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी तभी वहां टॉड आ जाता है। ऑलिव सबके सामने अनाउंस करती है कि अगले 5 मिनट में वो टॉड के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर लेगी। ये अनाउंसमेंट उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं और हमें इससे क्या, उसके पेरेंट्स तो ओपन माइंडेड थे। हमारे पेरेंट्स होते तो अभी तक हाथ में बोरिया बिस्तर थमा दिया होता और धुलाई अलग से। इसी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी इजी ए की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।